हेलो जी, मेरा नाम सनप्रीत सिंह है और मैं 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया में मेरे को तकरीबन 3 से 4 महीने पहले दर्द हुआ, तो वो दर्द मैंने मेडिसिन खा के वहाँ से, तो वो जैसे मेडिसिन खाई वो हट गया दर्द, बट वो मेरे दिमाग में था कि वो दर्द मेरे क्यों हुआ। तो एक्चुअली मैं क्या उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो 3 से 4 महीने पहले जब दर्द हुआ मैंने दवा खाई और दर्द वो रुक गया। रुकने के बाद जब 3-4 महीने मेरे को इंडिया में आना था, तो इंडिया में आके मैंने टेस्ट करवाया अपना एक। जब सीटी स्कैन का वो टेस्ट हुआ रुद्रपुर में, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपके यहाँ पे एक मांस का टुकड़ा है, हमें नहीं पता ये किस चीज़ का टुकड़ा है। मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। तो मैंने जब अपने रिलेटिव से बात की, तो उन्होंने कहा यार हमारे एक रिलेटिव में मेदांता से ऐसा एक सीन हुआ था, तो ऑपरेशन हुआ था, तुम एक बार मेदांता में कॉन्टेक्ट करो दिल्ली गुड़गांव। यहाँ पे मैंने देखा वहाँ पे डॉक्टर अरविंद एंड टीम के बारे में, जब मैंने वहाँ पे सर्च किया तो मैंने वहाँ पे इनसे कॉन्टेक्ट किया, तो इन्होंने बोला कि आप आ जाइए कल को ही चाहें। तो मैं सीधा फिर सुबह अपने रिलेटिव्स को लेके सीधा मेदांता पहुंचा। मेदांता पहुंचने के बाद वहाँ पे मेरी जो मुलाकात है डॉक्टर अरविंद साहब से हुई, उन्होंने बोला कि ये है तो मांस का टुकड़ा, इसकी बायोप्सी होगी, बट ये घबराने वाली बात नहीं है इतनी, ये नॉर्मल लोगों में लक्षण पाए जाते हैं या हो जाता है, आप इससे वरी मत कीजिए, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। उन्होंने थोड़ा मेरे को हौसला दिलासा दिया और मैं थोड़ा अपने जो डरा हुआ था या जो मेरे को हल्द्वानी वालों ने डरा रखा था बहुत ज़्यादा, तो मैं उस चीज़ से थोड़ा निकला बाहर। और फिर मेरे को ऐसे फील हुआ कि अगर डॉक्टर साहब ने बोल दिया तो शायद इनके ये सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। सनप्रीत जी के फादर उनको लेके आए थे, इनको एक्चुअली काफ़ी टाइम से ऑस्ट्रेलिया में इनका ट्रीटमेंट हो रहा था चेस्ट पेन के लिए और कुछ निकला नहीं था। फिर फाइनली ये वापस आए थे और रुद्रपुर में इनका एक सीटी स्कैन हुआ जिसमें राइट साइड में एक बड़ा सा ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, सेंटर ऑफ द चेस्ट में बड़ा सा ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था जो बायोप्सी में एक तरह का कैंसर था, और उसके लिए फिर ये आए थे। तो चूंकि दोनों तरफ जा रहा था तो फिर इसलिए एक साइड से उसको दूरबीन से वैट्स प्रोसीजर के द्वारा पूरा मोबिलाइज किया गया और फिर एक कट करके, क्योंकि वो बहुत बड़ा था तो छोटे होल से तो वो निकल ही नहीं सकता है, उसके बाद उसको कंप्लीट, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, लेफ्ट से लेकर राइट तक कंप्लीट ट्यूमर और साथ में जो भी और एक्स्ट्रा चीज़ें उसके साथ चिपकी हुई थी उसको पूरा निकाल दिया गया। और उसके बाद उनकी रिकवरी बिल्कुल ठीक हुई, बायोप्सी रिपोर्ट भी आ गई है, बायोप्सी रिपोर्ट भी ठीक है और एक तरह से मैं कहता हूँ कि उनकी क्यूरेटिव सर्जरी हो गई। तो समय रहते सही जगह पे आ गए और सही ऑपरेशन हो गया, उससे सही आउटकम आ गया कि वो क्योर हो गए हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप एक सही सेंटर पे पहुंच जाएं और सही समय पे सही सर्जरी हो जाए, तो फिर बिल्कुल आगे क्योर की पूरी पूरी संभावना रहती है, जैसा कि सनप्रीत जी के साथ हुआ। मेरा सारा ऑपरेशन जो था वो तकरीबन 10 घंटे आई थिंक लग गए थे। उसके बाद में मेरे को इन्होंने एक रात आईसीयू में रखा, तो इन्होंने आईसीयू से भी मेरे को एक दिन लगवाया और आईसीयू से भी मेरे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जल्दी से वार्ड में शिफ्ट करने के बाद इन्होंने मेरे को बोला कि आप चलिए उठिए, चलिए फिरिए फिरिए, और फिजियोथेरेपी के सर हैं, एक मैम हैं, उन्होंने भी मेरी इतनी हेल्प की वहाँ पे, चलना फिरना और साइकिलिंग वगैरह मेरे को दूसरे दिन से ही करवाना शुरू कर दिया। तो मेरे को लग रहा है कि आज मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन हुए हैं जिसमें मैं बिल्कुल प्रॉपर चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, एक बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंच चुका हूं। जबकि इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद किसी और हॉस्पिटल में होता तो आई थिंक मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं इतना बेटर फील कर पाता है इतने कम टाइम में, बट ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि ये मेदांता है, यहाँ पे अरविंद और अरविंद जी की टीम है, तो ये जब ये है तो सब पॉसिबल। आई थिंक हम भी इतने हैरान हैं कि इतना बड़ा ऑपरेट था भैया हमारे का,
पर हमें पता नहीं लगा कि सर ने इतना बढ़िया ट्रीटमेंट किया और हमारी भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ का स्टाफ बहुत ही बढ़िया लगा, लैंग्वेज में उनका बोलने का लहजा, और हमें बहुत खुशी है कि हमारा भाई अब बिल्कुल फिट है, हम इसे घर लेके जा रहे हैं। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत जी दिल से तह से शुक्रिया और धन्यवाद।